और इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मेरी व्यस्तता के कारण वो नहीं हो पाया। निराश होने का, वरना फिर हमको क्रिसमस तक इंतजार करना पड़ता। हमारे समाज में उत्सव एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, जो समाज को गति भी देते हैं और नया उमंग और उत्साह भी देते हैं। और हमारे उत्सवों का अगर आर्थिक सामाजिक पहलू पर एनालिसिस हो तो पता नहीं कितनी बढ़िया बढ़िया आर्थिक सामाजिक पहलू पर एनालिसिस हो तो पता नहीं कितनी बढ़िया बढ़िया स्टोरी निकल सकती है। जैसे हमारे यहाँ जो कुंभ मेला होता है, शायद हर दिन गंगा के किनारे पर यूरोप का एक छोटा देश इकट्ठा होता होगा, इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और व्यवस्थाएं समाज के द्वारा बनती हैं, खड़ी होती हैं और चलती भी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। ऐसी हमारे पूर्वजों ने जो उत्सवों के द्वारा समाज में एक नित्य नूतन चेतना देने का प्रयास किया है, दीप पर्व भी उसी का एक अंग है। और उसमें भेदभाव भी नहीं होते हैं, समानता का भाव सब दूर होता है। अच्छा है, मुझे इस बहाने आप सबसे मिलने का अवसर मिलता है। मेरी फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। मित्रों, कार्यक्रम के मोदी को आप सुन रहे थे। आपसे कुछ देर पहले उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। यहाँ पर दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बीजेपी की तरफ से, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की। हालांकि ये कार्यक्रम दिवाली के समय पर उसके आसपास होना था, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम होने की वजह से, विदेश दौरे होने की वजह से ये कार्यक्रम उस वक्त नहीं हो पाया। तो इसलिए अब यहाँ पर ये एक अनौपचारिक मुलाकात पत्रकारों के साथ उनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के बाकी नेता जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। अपने संबोधन में भारत में मनाए जाने वाले उत्सव और उनके महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा भी कि ये कार्यक्रम पहले नहीं हो पाया, लेकिन अगर अब भी ना होता तो शायद क्रिसमस में जाकर इसका अवसर आ पाता। काफी छोटा संबोधन रहा, लेकिन जैसा हमारे संवाददाता हमें इस पर पहले भी अपडेट कर रहे थे कि एक अनौपचारिक कार्यक्रम है, एक अनौपचारिक मुलाकात यहाँ पर पत्रकारों के साथ है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जो इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, शामिल रहे, इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिमांशु, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, अब हालांकि संबोधन तो खत्म हो गया, काफ़ी छोटा संबोधन रहा। अमूमन प्रधानमंत्री बड़े खुले दिल के साथ लंबी बातचीत करते हैं जब भी इस तरह से संबोधित करते हैं मंच से। देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो है वो हमेशा लंबा संबोधन करते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार खुद वो पत्रकारों से वन टू वन रूबरू हो रहे हैं और इसीलिए छोटा संबोधन है, और सभी पत्रकारों से एक के बाद एक मुलाकात करेंगे और उनको दिवाली की शुभकामनाएं भी देंगे और पत्रकार भी उनको दिवाली की शुभकामनाएं देंगे। इसीलिए ये कह सकते हैं कि बहुत छोटा संबोधन उन्होंने रखा है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि वो खुद पत्रकारों के पास जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मीनाक्षी, बड़ा दिलचस्प होगा हिमांशु ये जानना, क्योंकि आप तो खैर वहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो घरों पर बैठकर इन तस्वीरों को इस वक्त देख रहे हैं या जैसे हम यहाँ स्टूडियो से देख रहे हैं, क्या होता है इस कार्यक्रम में जब ये वन टू वन बातचीत होती है, कैसी ये बातचीत रहती है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, कुछ पत्रकारों के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे और बीजेपी कार्यालय रहते थे, तो उनसे वो तब मुलाकात होती थी और वो कुछ किस्से होते हैं जिनको वो बताते हैं। प्रधानमंत्री खुद पत्रकारों से कि याद है तुम्हें, कहते हैं कि हमने आपसे जब पहली मुलाकात की थी या जब आपसे बातचीत किया करते थे, तो वो किस्से कहानी छोटे छोटे किस्से होते हैं जब वो पत्रकारों के साथ शेयर भी करते हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं यहाँ पर पत्रकारों से वन टू वन बातचीत आप कह सकते हैं, एक अनौपचारिक मुलाकात ये बीजेपी दफ्तर में आयोजित की गई है। दिवाली मिलन कार्यक्रम दिवाली के समय पर नहीं हो पाया, लेकिन अब हो रहा है, और जैसा हिमांशु हमें इस पर लगातार जानकारी दे रहे हैं,
वो तमाम पत्रकार जो बीजेपी को कवर करते आ रहे हैं, जो इस वक्त वहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, कभी आलोचनाओं का शिकार भी हुए होंगे प्रधानमंत्री, इन्हीं पत्रकारों की तो प्रशंसा के भी प्रशंसाएं भी उन्हें मिली होंगी, और ऐसे में इस कार्यक्रम का अपना ही एक अलग महत्व। हिमांशु, अभी हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री समूह के बीच में मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो ये सभी यहाँ पर पत्रकार ही हैं इस वक्त जो जिनके बीच में प्रधानमंत्री हैं? बिल्कुल, सभी पत्रकार हैं मीनाक्षी, और कुछ नेता हैं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं या मंत्री हैं वो हैं, उसके अलावा बाकी सब पत्रकार हैं जो पिछले कई वर्षों से बीजेपी को कवर करते हैं या वर्तमान में सरकार को कवर कर रहे हैं, वही उन्हीं लोगों को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। बिल्कुल, और अगर हमें अभी हाल के ही वक्त में गौर करें तो बीते कुछ वक्त में चाहे वो असहिष्णुता का मुद्दा हो या फिर कुछ और मुद्दे जो काफी छाए रहे और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर खुद पत्रकारों ने कई बड़े सवाल खड़े किए, तो जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं ऐसी कोई छाप इन कार्यक्रमों में दिखाई देती है? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं पत्रकार जब प्रधानमंत्री देखते हैं तो उससे साफ बात भी करते हैं और वो कई बार चुटकी भी लेते हैं कि देखिए आपने ये कहा था और ऐसा कहा था, वो खुद बहुत पैनी नजर रखते हैं पत्रकारों के और पत्रकारों की खबरों के ऊपर। तो अभी आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा, कब तक ये कार्यक्रम अभी चलेगा? देखिए यहाँ पे लगभग 1:15 तक प्रधानमंत्री को रहना है। जी बिल्कुल, तो अब कुछ ही वक्त और बाकी इस कार्यक्रम को खत्म होने में, लेकिन एक मुलाकात यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पत्रकारों के साथ की, वही पत्रकार जो उन्हें लगातार कवर करते हैं, खासतौर पर बीजेपी जो कवर करते हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम का आयोजन दिवाली के आसपास होना था लेकिन व्यस्त कार्यक्रम होने की वजह से ये उस वक्त नहीं हो पाया, इसलिए अब हो रहा है। अभी भी आप देखिए इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री को और उनकी इस लम्हे को कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश, इन कैमरों में कैद करने की कोशिश, मोबाइल फोन्स भी हैं। सेल्फी अक्सर प्रधानमंत्री के साथ लेते लोग नजर आते हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री भी, जहां तक बात टेक्निक की आती है, सोशल मीडिया की आती है, तो उस पर काफी एक्टिव दिखाई देते हैं। तो वैसी ही एक झलक इस वक्त यहां पर भी दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में। हिमांशु वहां मौजूद हैं और इस लम्हे को वो वहां जी रहे हैं। हिमांशु जरा हमें बताएं इन तस्वीरों के बारे में और अभी क्या चल रहा है वहां पर? देखिए मैं बताऊं, प्रधानमंत्री जो हैं वो पत्रकारों से मुलाकात कर रहे हैं और कुछ पत्रकार उनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं, और यही चीज है प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि सेल्फी को जो सबसे पहले अगर किसी ने यूज करना सोशल मीडिया के थ्रू करना शुरू किया नेताओं में, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और वो दृश्य अब आपको दिख रहे हैं। यहाँ कुछ पत्रकार जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उसका एक एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा मैं एक और चीज बता दूं मीनाक्षी कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे स्किल फोटोग्राफर भी हैं और वो किस तरीके से पिक्चर्स ली जाती हैं, कैमरे के अंदर कैद की जाती हैं, उसको बहुत अच्छे जानकार हैं। मेरा भी एक अनुभव है नागपुर के अंदर, जब वो स्किल फोटोग्राफर था, उन्होंने कैमरा लिया और उससे फोटो खींची थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ये सारे शौक हैं फोटो कैप्चर्स करने का। बिल्कुल, और ऐसी तस्वीरें अमूमन जब भी वो लोगों के बीच पहुंचते हैं, चाहे वो उनके विदेश दौरे हों या फिर रैलियों के दौरान भी देखने को मिलते हैं, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कैमरे के प्रति काफी पॉजिटिव रहता है, और वही तस्वीरें इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं कैमरे में इस पूरे समूह के बीच, और सभी की एक कोशिश कि प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी यहाँ पर हो पाए। अब से थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित किया तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए एक बार आपको सुनवाते हैं फिर से। आप सबको दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के तुरंत बाद होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मेरी व्यस्तता के कारण वो नहीं हो पाया, आज होने का, वरना फिर हमको क्रिसमस तक इंतजार करना पड़ता। हमारे समाज में उत्सव एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, जो समाज को गति भी देते हैं और नया उमंग और उत्साह भी देते हैं। और हमारे उत्सवों का अगर आर्थिक सामाजिक पहलू पर एनालिसिस हो तो पता नहीं कितनी बढ़िया बढ़िया स्टोरी निकल सकती है।
जैसे हमारे यहाँ जो कुंभ मेला होता है, शायद हर दिन गंगा के किनारे पर यूरोप का एक छोटा देश इकट्ठा होता होगा, इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और व्यवस्थाएं समाज के द्वारा बनती हैं, खड़ी होती हैं और चलती भी है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो ऐसी हमारे पूर्वजों ने जो उत्सवों के द्वारा समाज में एक नित्य नूतन चेतना देने का प्रयास किया है, दीप पर्व भी उसी का एक अंग है और उसमें भेदभाव भी नहीं होते हैं, समानता का भाव सब दूर होता है। अच्छा है, मुझे इस बहाने आप सबसे मिलने का अवसर मिलता है। मेरी फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, दिवाली और उसके बाद के पर्वों की शुभकामनाएं दी, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पत्रकारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी और उनकी तस्वीर और खासतौर पर सेल्फी खींचने की कोशिश, यहाँ पर इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय बरागटा जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय जी, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने की होड़ पत्रकारों के बीच, और ये अपने आप में एक लम्हा जिसे शायद जो लोग यहाँ शामिल हुए हैं इस मीटिंग में वो भी याद रखेंगे। नहीं, जाहिर तौर पर ये मीनाक्षी, जो प्रधानमंत्री हर साल जब से प्रधानमंत्री बने हैं दिवाली के मिलन के मौके पर इनको मीडिया सेल जो बीजेपी का है वो बुलाता है और पत्रकार सब जो बीट कवर करते हैं उनसे रूबरू होते हैं और हर आदमी से यहाँ पर आकर के वो मिलते हैं, तो एक साल के बाद पिछले एक साल में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ कैंपेन हुए हैं और बहुत कुछ अखबारों में लिखा गया, बहुत कुछ टिप्पणियां टीका किए गए, लेकिन बावजूद उसके आज जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के अमित शाह ने वो कहा कि नया साल है, नई शुरुआत करेंगे। और प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर उनका एक ऑरा है, अभी भी उनकी एक इमेज इस तरह की है कि पत्रकार गाहे बगाहे जो बेशक उनके खिलाफ लिखते हों या बोलते हों, बावजूद इसके उनके साथ सेल्फी जरूर खिंचाना चाहते हैं। तो ये नए साल की शुरुआत, नए सत्र में जिस तरह से देखने को मिला कल आपको कि जीएसटी को लेकर के प्रधानमंत्री ने खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुलाया और उस पर लग रहा है कि जो संसद का जो सत्र था बिहार चुनावों की कड़वाहट के बाद, शायद उसमें कुछ वो गर्मी नहीं आ पाएगी रिश्तों में जिस तरह की कड़वाहट चुनाव को लेकर के हुई थी, लेकिन किस तरह से एक कल की स्पीच ने, प्रधानमंत्री की स्पीच ने और उस इन्विटेशन ने पूरा माहौल बदला और कुछ उम्मीद दिखने लगी है। इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में जो रिफॉर्म्स हैं अगर वो रफ्तार नहीं पकड़ पाएंगे तो हर आदमी को भुगतना होगा। ये किसी पार्टी या दो पार्टियों या तीन पार्टियों के बीच का मसला नहीं, पूरे देश का मसला है। और जाहिर है आज जब वो पत्रकारों से मिल रहे हैं तो यहाँ पर वो ऑफ रिकॉर्ड बातचीत करते हैं, कोई पत्रकार वार्ता नहीं होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पत्रकारों से वो रूबरू होंगे, कुछ गिले शिकवे होंगे वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, इसी पर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी। जब संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, बहुत अच्छे वक्ता हैं, अपने शब्दों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज संबोधन काफी छोटा रहा। नहीं, वो देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना होता है, पत्रकारों को वो क्या वो एड्रेस करेंगे इस मौके पे, क्योंकि वो पिछले दिनों में अगर चुनाव की बात हो या संसद में कल एक घंटे तक का उनका भाषण रहा था, काफी चीजों पर उन्होंने वहां पे कह दिया था। आज ये उनके कहने का दिन नहीं है बल्कि बातचीत करने का दिन है, पहुंचने का दिन है, रूबरू पत्रकारों से होने का दिन है। और पिछली बार भी इसी तरह से हुआ था, स्पीच बहुत छोटी रहती है ऐसे मौकों पर, लेकिन वन टू वन कॉन्टैक्ट हर पत्रकार हर समूह से जो यहाँ पर मौजूद हैं, बीट कवर करते हैं या उनके संपादक है, उनसे वो रूबरू होते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड ज़्यादा बातें होती है, सामने आमने ज़्यादा बातें होती है बनिस्पत उसके कोई भाषण दिया जाए या कोई पत्रकार वार्ता जी। लेकिन संजय जी, अभी जिस तरह की तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पत्रकारों से घिरे हुए हैं वो, सेल्फी लेने की होड़ दिखाई दे रही है सब में, तो ऐसे में जो जिस वन टू वन बातचीत का आप जिक्र कर पा रहे हैं वो वाकई होती है या उनको उतना समय मिल पाता है? जाहिर तौर पर अभी देखिए, अभी तो एक कार्यक्रम था, स्वागत समारोह था
उसके बाद भोजन की व्यवस्था अलग से की जाती है और भोजन के टेबल पे जो सब लोग बैठते हैं तो उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री एक एक टेबल के पास जाकर के मिलते हैं, एक एक पत्रकार से रूबरू होते हैं। और ये तो सिलसिला भी क्योंकि स्वागत समारोह के अंदर सब लोग बैठे थे तो प्रधानमंत्री उस भीड़ के बीच अंदर आते हुए सबसे एक आंख मिलाते हुए मिलते मिलाते हुए बाहर को आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर इसके बाद कुछ देर तक और प्रधानमंत्री रहेंगे और जो टेबल जो खाने की टेबल है वहाँ पर सब लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। एक एक बात और यहाँ पर है, पिछला कुछ वक्त अगर हम खासतौर पर बीजेपी के लिए कहें तो बहुत अच्छा नहीं रहा, बिहार चुनाव के बाद भी और उसके बाद भी। अब संसद सत्र शुरू होने को लेकर जिस तरह के डेडलॉक बन रहे हैं उसको देखते हुए या असहिष्णुता का मुद्दा जिस पर प्रधानमंत्री को काफ़ी घेरा गया, उन पर कई सवाल खड़े किए गए, ऐसे माहौल में जब इस तरह की मुलाकात पत्रकारों के साथ होती है, वही पत्रकार जो उन पर तमाम सवाल खड़े करते हैं, आलोचनाएँ करते हैं, कैसा माहौल रहता है ऐसी मुलाकात का? देखिए, इसमें जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बीट कवर करते हैं, पत्रकार के नाते हम अपना काम करते हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपने नज़रिए से अपनी तरह से अपना काम करते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि हम सब एक मत हों, मत अलग अलग होते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विषमता है, सबसे बड़ी सफलता है कि तरह तरह के विचारों के बावजूद हम एक दूसरे से मिलते हैं। जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री ने कल कहा कि कंसेंसस जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटिज्म की भौंस पर मैं जानता हूं कि कोई भी काम नहीं हो सकता है, और वो एक कंसेंसस मतलब आम सहमति कि हम किस मुद्दों पे, अगर अलग अलग मत है तो किस मुद्दों पे एक होकर के आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह का माहौल रहता है। बिल्कुल, और जब हम बात मीडिया की भी करते हैं तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और ऐसे में इस तरह की मुलाकात किस तरह का माहौल ये आगे के लिए पैदा करती है और कितनी अहमियत इसकी है? नहीं देखिए, इसमें अहमियत जैसी कोई बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री जो निवास या प्रधानमंत्री कार्यालय जो कवर करते हैं रिपोर्टर, उनका तो मिलना जुलना लगा ही रहता है, संसद में रूबरू कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। हाँ, ये बड़े पैमाने पर जो संपादक है या सभी समूहों के जितने भी रिपोर्टर हैं एक जगह इकट्ठा होकर के कम से कम उनको सामने से दो बातें करने का मौका मिल जाता है, और थोड़ा सा प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक बार से फिर से रिमाइंड हो जाता है कि हाँ ये भी है जो कवर किया करते थे जो शायद सामने नहीं आ पाते हैं। तो बिल्कुल ये इसको कहा जा सकता है कि एक इनफॉर्मल माहौल में, कोई फॉर्मल माहौल नहीं होता है, बिल्कुल इनफॉर्मल माहौल में यहाँ पर वो एक दिवाली का जो आयोजन है, लंच का आयोजन, उसमें एक अतिथि की तरह आते हैं और सब पत्रकार भी अतिथि होते हैं तो सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर बातचीत करते हैं। बिल्कुल, और जिस इनफॉर्मल माहौल का आप जिक्र कर रहे हैं वही इस वक्त तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी तरह की झिझक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रोटोकॉल ऐसा वहाँ नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री यहाँ पत्रकारों के बीच मौजूद हैं और सभी लोग उनसे हंसते मुस्कुराते हुए मुलाकात करते हुए और सेल्फी की गुजारिश करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहा है, और प्रधानमंत्री भी उन्हें उसी तरह से एड्रेस कर रहे हैं और उनकी इस गुजारिश को टालते हुए नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि खुशी खुशी तस्वीरें उनके साथ खिंचवाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा कुछ देर पहले हिमांशु हमें इस पर अपडेट कर रहे थे कि 1:15 बजे 1:15 तक प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे। दिवाली मिलन कार्यक्रम की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर से, हालांकि ये कार्यक्रम पहले होना था, उस वक्त नहीं हो पाया, इसलिए अब ये कार्यक्रम हो रहा है। जब संबोधित भी किया प्रधानमंत्री ने पत्रकारों को तो इस बात का जिक्र किया कि टलते टलते काफ़ी देर हो गई, लेकिन अब इस कार्यक्रम को किया गया और दिवाली की शुभकामनाएं, उसके बाद के पर्वों की शुभकामनाएं उन्होंने पत्रकारों को दी। तो एक अनौपचारिक मुलाकात यहाँ पत्रकारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की, इससे पहले पिछले साल भी हुई थी, अब इस साल की ये तस्वीरें आपके सामने। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय बरागटा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और क्या अहमियत ऐसे किसी कार्यक्रम की रहती है और क्या कुछ होता है उसके बारे में हमें जानकारी देते हुए। संजय जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, आपने इससे पहले की भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या मीटिंग्स अटेंड की होंगी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे उनके दौर में भी ऐसी पत्रकारों के साथ बैठकें हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी, कैसा फ़र्क आप देखते हैं और कितना बदलाव इस पूरे वक्त में आया है? देखिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं भी थे और वो एक संगठन सचिव के तौर पर यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में काम करते थे और वो एक छोटे से कमरे में पीछे रहा करते थे, और उस दौर में जब हम कई बार
पत्रकार वार्ता से पहले ही पहुंच जाया करते थे और हम सीधे उनके कमरे में चले जाया करते थे, उनसे मिलते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी है, वो राज्यसभा में रहे हैं, पहले विपक्ष में भी रहे हैं, तब से उनको जानते थे और उसके बाद भी उनसे मुलाकातें होती रहती थी। ऐसा नहीं है कि वो उनसे लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर जाहिर है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोई दिवाली मिलन नहीं रखते थे, लेकिन वो वहाँ पर अलग अलग बीट रिपोर्टर्स और संपादकों के साथ चाय पर मुलाकातें किया करते रहते थे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। और बीजेपी की ये परंपरा रही है अरसे से कि वो दिवाली मिलन के मौके पर वहाँ पे प्रधानमंत्री को अक्सर बुलाया जाता है। और एक आध साल को छोड़ करके अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पर आते रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री थे दिवाली मिलन के लिए। और जो जो भी अध्यक्ष होता है, जो मीडिया सेल एक कार्यक्रम इस तरह का आयोजित करवाता है, तो फर्क की दृष्टि से जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बोलते हैं, अपनी राय खुल करके रखते हैं, जबकि जो मनमोहन सिंह थे वो थोड़े टेक्नोक्रेट किस्म के थे, बहुत कम बोलते थे, बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे। ये फर्क तो दोनों में जाहिर तौर पर देखा जा सकता है। जी शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुलाकात की ये अहम बातें या क्या कुछ यहाँ होता है उसे हमारे साथ शेयर करने के लिए।